के वो माँ है भाई जिन अपने झुमके बेचे और इनके बेटे ने हीरे बनाने की फैक्ट्री लाई, जिन्हें झुमके बेचे और जीव जाकर आपने अपनी सफलता का सफर शुरू कराया। तीन चार बटन ये शर्ट के खोले क्या तरख तू, मखा डर जागी जान मेरी सुन के ना मेरे मसला में झक तू, असलिया ने रख डैशबोर्ड पाव पीम पाम खाग तू। यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत है, यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, मगर हमने तो वो हीरा तराश कर तुम सबको पेश किया। फैमिली का गैंगस्टर है। ये काफ़ी पुरानी बात है। देखो, मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। धर्मो भाई और मम्मी बताती थी, जब मैं पेट में था, मम्मी पेट पर रेडियो रख के सो जाती थी, तो तब से ही असर हो रहा है। माँ के सुर मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम कहेंगे लाए हैं किश्ती हम कीचड़ से निकाल के, इस किश्ती को रखना मेरे बच्चों से। ये दो झुमके बेचे आपने और दो हीरे बना लिए। चार बनाए पर सबसे बढ़िया तू लग रहा मुझे तो। चलो, इसके लिए धन्यवाद आपका। और न्यू कहा ना भाई, जो आदमी अपनी जड़ा ने भूल जे नी, वो आदमी सफल नहीं हो सकता। जिस तरह हरा भरा जो दरख्त हो है नी, जो पेड़ हो है, अगर वो अपनी जड़ा ने छोड़ दे तो उसकी हरियाली खत्म हो जा करे। आज जिस प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं उसमें कुछ ओ सीखने मिल रहा है। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और इन माता जी के लाइक जो ढेक। ये वो माँ है भाई जिन अपने झुमके बेचे और इनके बेटे ने हीरे बनाने की फैक्ट्री लाई। बड़ी बात है माता जी, पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो। सब बेटा ना राम राम, थोड़ा ठाड मान दो, इमोशनल हो गए। सब बेटा ना मेरे राम राम भाई। तो माता जी, आपने एक वो टाइम था कि आपने अपने झुमके बेचे। हाँ। और उस झुमके बेच के आपके जो बेटे थे उन्हें सफर शुरू कराया। हाँ। फील कर रहे हो? मैं बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ। मेरे बेटा इतने ऊंचे पे आ गए, अगर मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, ये थोड़ा पूरा परिचय करवाऊंगे भाई। हरियाणवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो भाई खूब रुका रोड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ कलाकार और कुछ जो हीरे हैं, कैमरामैन वरुण रेड्डू तो कहूँगा श्यामी दिखा दे, बहुत बड़े बड़े कलाकार फिलहाल इस महफिल में बैठे हैं। और भाई इन कलाकारों के पीछे के जो हीरो होया करे हैं और वह माता जी ने झुमके बेच कर क्यों कर तैयार करे हैं, छोटी सी वह स्टोरी वो जो है वो तारती दिखाना चाहूँ। माता जी आ जाओ। और मैं कहूँ था भाई तारती, जो जड़ा है बैठो माता जी, यानी कि जो जड़ा ने भूल जे हैं कुछ वो ये रस्म और रिवाज आड़े देखने मिलेगा। कलाकार यानी कि कला नुका आग्रह भाई, जिसके अंदर वो कला वो ये कर सके दूसरे का भला। तो फिलहाल जो रस्म है जो तुम देखोगे, गुरु और शिष्य की जो परम्परा है वह निभाई जा रही है। और मैं कहूँ था जो जड़ा ने भूल जे है नी वो सफल नहीं हो सकता। तो पहली गुरु माँ, नुका आग्रह भाई, मातृमान पितृमान आचार्य मान पुरुषो वेद है। तो पूछेंगे पूरा मामला क्यों कर है, यानी कि हरियाणवी इंडस्ट्रीज के वह नाम जीआर म्यूजिक टीआर म्यूजिक, उनकी छोटी सी कहानी जो है। पहले तो दर्शकों ने राम राम मानते तरुण भाई, थोड़ा ठाडू। सभी को नमस्कार, हरियाणा यूपी राजस्थान सभी को नमस्कार। और गुरु भाई आन दे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। राम राम जी सभी को, राम राम दिल से। और भाई ये इनके गुरु जी हैं, बलिया जी के नाम है, नाम में नाम है जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका आभार, आपने बच्चों को इतना प्यार दिया और सच में ये जो किया है उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इनकी मेहनत जो है वो आज आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नामदेव जी बहुत बड़े फनकार हैं, इनकी भी हमने गायकी भी सुनी बहुत। इस महफिल के अंदर जो जलवे ने दिखाए हैं, अपनी आवाज़ का जो जादू दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो तरुण भाई, माता जी का जब हमने सुना, वो देव कुमार देवा भाई बता रहे थे भाई, माता जी ने झुमके बेचे और जीव जाकर आपने अपनी सफलता का सफर शुरू कराया। और हीरे बनाने की फैक्ट्री कहूँगा मैं तो, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्रीज के पर्दे के पीछे के हीरो हैं टीआर म्यूजिक और जीआर म्यूजिक। ये काफ़ी पुरानी बात है। देखो, मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। धर्मो भाई और मम्मी बताती है कि जब मैं पेट में था, मम्मी पेट पर रेडियो रख के सो जाती थी, तो तब से ही असर हो रहा है। ये माँ के सुर मिल रहे हैं। हाँ। और जब मैं बहुत छोटा था तो खाना बाद में खाता था, पहले है ना कटोरी चम्मच ऐसे उनको मतलब बर्तन फोड़ने का काम तो मेरा। बोला मिले सुर मेरा तुम्हारा है जी। तो फिर मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब यहाँ तक आना है, कि म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, क्योंकि बचपने में इतना सब कुछ पता नहीं होता। अभी फिर बड़े हुए और म्यूजिक में और इंटरेस्ट बढ़ा, तो अब फिर मेरे अंदर आया कि अब रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल। तो
देखा कि इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे होते हैं सारी चीज़, और हम एक आम परिवार से थे धर्मो भाई, तो मैं मम्मी को बहुत परेशान करता था दिन रात। मम्मी एक साउंड कार्ड चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, वो चाहिए। माँ ने बेरानी के साउंड कार्ड हो है, के कंप्यूटर हो है, किस इन टेक्निकल चीज़ें की जानकारी नहीं थी। अब माँ बाप तो देखो बच्चे सारे मांगे चीज़ें, सोचा भाई कदे लाकर गेम खेले, इसमें फिल्म देखा जाए तो टाइम खराब करेगा, भाई धमका भी दिया करते कई बार पढ़ लेने, तो मैं घना सीरियस हो गया, मतलब लिमिट तक ज़्यादा जिद कर बैठा। तो उस टाइम मतलब पीछे ना होते, मेरी मम्मी ने अपने झुमके बेच के मेरे तो इंस्ट्रूमेंट दबाए थे बिल्कुल। तो जिद क्या के जीत है, तो मैंने भी इतनी मतलब दिन रात एक कर दी थी धर्मो भाई कि मतलब भी कुछ करके ही दिखाना है। माता जी दो झुमके बेचे आपने और दो हीरे बना लिए, चार बनाए, पर सबसे बढ़िया तू लग रहा मुझे तो। चलो इसके लिए धन्यवाद आपका। और हरियाणवी निगम में चारू निगम में हीरे बना में और किलकी पाड़ है और बस, तो तू बढ़िया लग रहा है, कितनी धार्मिक बोल रहा बता बेटा। इसके लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। तो तरुण भाई हरियाणवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कलाकार फिलहाल शमी मैं फिल्म में भी बैठे हैं, चाहे वो देव कुमार देवा की बात करा या फिर बहुत सारे रैपर भी आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार आपने बुला रखे हैं। तो इसमें आपकी जो मतलब म्यूजिक कंपनी है, इसमें ऐसे कौन कौन से और कलाकार हैं जिनको आपने एक मंच दिया, जिनके लिए आपने काम किया? मैंने लगभग सभी आर्टिस्ट के साथ काम किया, और अभी जो रिसेंटली आर्टिस्ट है उनके साथ जीआर भाई काम कर रहा है, और मतलब शायद ही कोई ऐसे आर्टिस्ट रह गए जिनके साथ काम नहीं किया। तो सभी के साथ बहुत अच्छा मतलब एक पारिवारिक माहौल है मेरा, और सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, मतलब जितने आर्टिस्ट लोग हैं उनकी वजह से ही। देखो मैं तो एक स्टूडियो में, एक बंद कमरा होता है स्टूडियो, वहाँ पे बैठ के एक शांत माहौल पे अपना काम करता हूँ, लेकिन जितने मेरे कलाकार भाई है ये मेरे म्यूजिक पे शूटिंग पे धूप में सर्दी में तूफान में हर जगह शूट करते हैं और बाहर जाके, और वो म्यूजिक मेरा लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मैं तो इनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि मेरा म्यूजिक इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात होती है भाई, खुद कामयाब होना कोई घनी बड़ी बात को नहीं होती, लेकिन दूसरों को भी कामयाब करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से जो इनके गुरु जी हैं, जो नामदेव जी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा जो है वो शायद यह है कि ये औरों को भी कामयाब करने लग रही। क्यों जी? ये बिल्कुल ये सही बात है। देखिए सिखाते हम, एक टीचर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को सिखाता है बिल्कुल, लेकिन उसमें से कौन कामयाब हो रहा है और कौन कामयाब नहीं हो रहा है ये कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भी होती है बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तरुण की, तो मैं आज अभी भी मैं स्टेज पे बोल रहा था कि तरुण के साथ एक कनेक्शन कैसे है कि जब एक चीज़ें होती है कि इसको बहुत जुनून था गाने का, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ तो मैं समझ सकता हूँ इसकी पीड़ा क्या थी। यहाँ पे कई जगह मुझे आज भी याद है, तरुण ने बताया कि कई जगह सीखने की कोशिश की, कई जगह सीखा, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला जो तरुण है वो टीआर है, टीआर म्यूजिक है। तो जब इंसान कुछ नहीं होता तो हर जगह अपनी ट्राई करता है, कोशिश करता है बिल्कुल। तरुण ने वो किया, मुझे याद है कि अब से शायद 9-10-11 साल पहले की बात होगी, जब तरुण बस में बैठ के एक अपने दोस्त के साथ मेरे पास शाम ले आया था, और ये इतना इनोसेंट, ये मतलब शरारती भी है और इनोसेंट भी है। तो जब ये पहली बार मेरे पास आया, मिला, हमने बात की, इसने कहा गुरुजी मुझे सीखना है, तो मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर, लेकिन मैंने कहा तू आएगा कैसे, शामली कैसे आएगा? तो एक्चुअली तरुण ने मुझे टीवी पे देखा था, उसके बाद से तरुण मिलना चाहता था, तो जब मिलना चाहता था तो अब जहाँ चाहा वहाँ रहा बिल्कुल सही बात। अब उसने सोचा और वो मिल लिया, मिलने के बाद हमारी बात हुई, तो मैंने कहा तू कैसे आएगा? उसने बोला कि आप मुझ पे छोड़ दो, आप सिर्फ ये बताओ कि आप मुझे मतलब सिखाना शुरू करो। तो बस फिर ये सिलसिला चलता गया, और इसकी मैं बताऊं तो कई बार आंटी से मेरी पहली बार जब बात हुई थी, पहली बार जब छोटा सा स्टूडियो बनाया था, जब तरुण घर पे गया तो ये बहुत खुश था, तो आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा कुछ भी हो कैसे भी हो, और ये जो लड़का है, जो तरुण है मेरा बेटा, तो बस ये है कि अगर तेरा थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए, तेरा थोड़ा साथ मिल जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा आंटी जो मेरे बस में है मैं हमेशा करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन आज मुझे गर्व है इस पर, मैं बोलता हूँ कि मुझे गर्व है कि इसने जो है
मेरी मेहनत को सार्थक किया। इसीलिए कहा करें भाई, मेरी मेहनत को वसूल करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, बोले कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठ। और जब हम किसी भी फील्ड में भाइयों मेहनत कर रहे हो तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान हर किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है, कि मुसीबतें आती है और इतनी बड़ी मुसीबतें आती है कि मतलब जिनसे हम अकेले निपट नहीं सकते, तो उन मुसीबत के टाइम हमें ऐसे हाथ, ऐसे प्यार, ऐसे लोग चाहिए जो हमें बचा सके। और भाई परवीन पनिहार और अंकुर शर्मा ने हमेशा मेरी मुसीबतों को झेलाया, भाई मेरे साथ है। अंकुर भाई जय राम जी की भाई सारे ने बटियार भाई का नेचर ही सा है, आदमी जो भी मिल लगा ना तो इनते इतना खुद प्रभावित हो जाए, दूसरे लोग आते इतना करे हैं, हमने देखा है भाई नए नए कलाकार आऊ ने इतना सपोर्ट करे हैं भाई, पैसे आती थे काम करते ही नहीं। वो देवा भाई ने कुंसेन कही थी, मंजीत भाई ने एक बात कही थी, बोला भाई मरोड़ में तो यो आदमी करोड़ ने भी नट जावे। हाँ सच्ची बात है, अरना भाई उन्होंने कहा भाई किसी का जो भी हो तो अपने दे जाओ और चुपचाप कर। उस चीज़ का हमने देखा भाई आदमी अच्छा है, दिल का आदमी अच्छा है, और भाई जो हमारे पे बनी वो तो भाई मदद करनी है तो कौन ऊपर वाला हो भाई, जो हमारे बनी यारी दोस्ती हुई भाईचारा होया तो भाई हम खड़े हैं, मारते ही भाई खड़े हैं, हम मारते भाई भी खड़े हैं। और तुम देख सको हो चाहे बेच सकता है परवीन भाई ये। हाँ बोले मुझे तो न थुला दे जी परवीन भाई के, पहले तो मुझसे देखो भाई बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, तरुण भाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया नेचर के है। और हमारी सबसे पहली बार 2013 में मुलाकात हुई थी, बस जित नाज लकदे बिगड़ी भाई ने बहुत तो ज़्यादा जमाए नहीं करे भाई। तो ये है भाई एक ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार जिसमें कि सारे कलाकार हैं, चाहे न्यूनतम माई ने देख लियो, न्यूनतम आंटी जी ने देख लियो, आंटी किसे होगी घंटी ले ले है, तो पूरा परिवार। और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि पर्दे के पीछे के जो हीरो हैं वो बहुत कम देखने मिल रहे हैं, लेकिन वाक्य में हीरे बनाने की इंडस्ट्रीज है। और हरियाणवी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं कहूँ तो टीआर म्यूजिक और जीआर म्यूजिक ने तहलका मचा रखा है। फिलहाल भी विक्की काजला, सुमित काजला और भी काफी सारे कलाकार और कौन कौन इनवाइट कर, मंजीत पंचाल जी आए हैं, देव कुमार देवा है और लगभग सारे भाई आ रहे हैं। कैमरा मैन देखो अपने घुमा देने, कोई तो जलेबियां जुट रहा है, कोई रसगुल्ला बढ़ रहा है, कोई होका पीने लग रहा है। तो भाई कहने का मतलब यू है कि ये न्यूंदा न्यूंदार देख है तरुण भाई ने हरियाणवी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करने की एक कोशिश करी है। और देव कुमार देवा भाई एक बात कहूँ थे, बोले भैया एक ऐसी इंडस्ट्री है जिनको इकट्ठा करना बहुत औखा काम है, तो गौरव भाई जिसको सफल कराया है तरुण भाई ने, तो गौरव भाई किसा फील कर रहे हो आपके भाई आपका इस तरह से सहयोग करें? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, इनका दिल से धन्यवाद, बड़े भाई भी और गुरु भी है। गुरु भी हैं तो वो कहावत हो गया, बोले दो माँ बेटी चली बाग में जाएँ, तीन नींबू तोड़ कर बोले सबते खाएँ। तो भाई जिस तरह उसके जो उत्तर की जो इसकी पड़ताल है नी वो है अगर भाई एक तो माँ होगी, एक उसकी बेटी होगी, एक उसकी बेटी, तो इसी तरह से ये परंपरा है। आड़े भी दिक्कत मन लग रही है, मैंने वो कहना चाहूँगा गौरव की इतनी उम्र के मतलब इतने दिन नहीं जितने इसके गाने हैं, यूट्यूब खोल ले ना तो गाने चलावे ना तो मतलब मतलब तीसरा चौथा गाना गौरव का अपने आप ही आ जाए। बिल्कुल, आज पहली बार इन्हें अपना गुरु मान जाए, यूं नहीं तो ही कुर्सी के पीछे खड़ा होगा सुबह ये माता जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हाँ। आज गुरु मान जाए, आज गुरु मान जाए, नहीं तो बोले तो नहीं सोचा था मेरा टीआर भाई है रोहतक में रह ले गया। चलो अच्छा, आप इनके पिताजी क्या नाम जी? मेरा नाम दयानंद पंचाल है। देखिए वैसे तो जनता जनार्दन सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा, वो एक पुराना गाना है कि लाए हैं किश्ती हम तूफान से निकाल के, लेकिन हम कहेंगे लाए हैं किश्ती हम कीचड़ से निकाल के, इस किश्ती को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत गजब की बात कह दी है और आँखें में लाड प्यार वाला पानी भी आ गया है। हाँ। क्या नाम भाई? अमन राज। अमन अमन राज नाज कौन नहीं जानता, गाड़ी पीछे गाड़ी कान्ना पन्ना बाड़ी सीखे थे वे कान्ना पन्ना बाड़ी सीखे सुना देख दो लिरिक्स भाई। ईब तो जी गुरु जी बैठे हमारी दो बिना पढ़ते जी तीन चार बटनिये शर्ट के खोले क्या तेरा रख तू, मखा डर जागी जान मेरी सुन के ना मेरे मसलिया में झक तू, असलिया ने रख डैशबोर्ड पाव फीम फाम खाके तू, वो कान्ना पे के बाल रख तू, मुँह पे गाल रख तू, सारी हाना आंख और ढाल रख तू। ये हमारी फैमिली का गैंगस्टर है। मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, यूं तो
हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, मगर हमने तो वो हीरा तराश कर तुम सबको पेश किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत गजब की बात कह दी। तो खैर किते तो भाई यार रणवीर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो कोई बदमाशी का ट्यूशन ला रहा है, तो कोई गोली चला रहा है, कोई बाज उड़ा रहा है, कोई किमी उड़ा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये गीत संगीत की जो इंडस्ट्रीज है, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में हुआ है, टेंशन में हुआ है, तो भाई उसका एक चीज याद आवा है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज। और ये जो नामदेव जी कह रहे थे, एक तो एक म्यूजिशियन और एक एक मैजिशियन, यानी कि ये जो म्यूजिक है यू मैजिक तक कम को नहीं अपनी बढ़क और टेंशन मिटान। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल गरम भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपको जान के अच्छा लगेगा और खुशी होगी कि हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट का जो परिवार है, मतलब स्टूडियो लाइन का, सिंगर्स का, जो बच्चे कर रहे हैं काम, वो सबसे बड़ा परिवार ही है। बहुत बड़ी सबसे बड़ा परिवार हमारा है, जो सारे बच्चे काम कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, और आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने और नए नए गाने आप लोगों को हमेशा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जो कर सब्जी आग रही भाई, सब्जी जिस तरह आग रहा है, आलू गोभी की सब्जी, लेकिन उसमें छोंक क्या क्या अलग है, ये देखो भाई, कैमरा मैन वरुण ती कहूंगा दिखाया देख भर, ये है छोंक, वो जीरा धनिया, वो ये छोंक है, ये छोंक लग गया बिना गाने में मजा नहीं आवे। बोले देगी मिर्च का तड़का और अंग अंग फड़का। तो भाई ये है कलाकार की टीम। तो भाई इस टीम के साथ इन्हें न्योंदा दिया था, हम पहुंचे थे और भाई बहुत गजब का मजा आया। और इस परिवार की सफलता देख कर वाक्य में दिल गार्डन गार्डन हो गया। और माता जिया के बेचे झूम के आज हीरे बन गए। ठोको शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।